बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हज़रत अली। हज़रत अली की ज़िंदगी से वैसे तो बहुत सारे वाक़ियात हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक वाक़िया बयान किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहा, मैं और मेरे बच्चे दो दिन से भूखे हैं और मैं 500 दरहम का मकरूज हूँ और जिसका कर्ज़ है वो मुझसे झगड़ा करने पर आमादा है। जनाब अमीर ने फरमाया, ए शख्स तू बैठ जा, खुतबा ख़त्म होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था, उसने कहा, ए शख्स इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे, ये तो खुद कई कई दिन से फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे कहाँ से देंगे। वो शख्स फिर खड़ा हुआ और अपना सवाल दोहराया। जनाब अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर इसी दूसरे आदमी ने फिर इसको उकसाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर यकीन क्यों करते हो, इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे। ये आदमी फिर खड़ा हो गया, अपना सवाल दोहराया। फिर जनाब ने कहा, ए शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है, मैं ज़ामिन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, खुतबा के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। जब खुतबा तमाम हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद चलकर उस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की जानिब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उससे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर ली, फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ, हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दरहम में फ़रोख्त कर दे, खबरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था, उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। उसने 500 दरहम बताई, वज़ीर के कहने पर उनका नकाब उठा दिया गया और उसने 500 दरहम गिनकर उसके हवाले कर दिए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़ीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, ए शख्स तू क्या काम कर सकता है। फरमाया, जो कुछ भी हुक्म होगा मैं बसर चश्म बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो कि एक अजदा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है, अब चूँकि इसके आने का दिन है तुम किसी तरह इसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हज़रत अली बमाए हुकाम के इस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से अजदे ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदा फनकारे मारता हुआ आ रहा है, सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अजदा बिल्कुल करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर इसके दोनों जबड़े पकड़े और चीर कर दो टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर हैरत भी हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये है कि दरिया जब चढ़ आता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत नुकसान करता है, किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। आप बमाए हुकाम आला दरिया पर गए और शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया तुझे मेरी कसम है जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाटे मारता है मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स तूने तो दो बड़े काम किए हैं, अगर तीसरा काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया, हुक्म दें। बाद कहने लगा, ए शख्स
कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से एक शख्स मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। आपने कहा ये काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाइए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवाई। आपने फरमाया इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं एक दो और तीन कहूँ तो तुम फौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्दन झुकाई, एक दो तीन कहा, मगर बादशाह हैरान था कि यहाँ इस ग़ुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं है, तलवार किस पर चलाऊँ। सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्दन झुकाते हुए उसको परेशान देखकर कहा, इधर देखो ना, हाँ मैं ही अली हूँ। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों पर गिर पड़ा और कहा कि अगर हज़रत अली आप हैं तो मैं ऐसे अली के खुदा पर ईमान लाता हूँ, मुझे आज तक मुगालते में रखा गया, या अली मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाइए। लिहाजा वो बादशाह तमाम कुंबे के साथ मुसलमान हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे दुआ दी और कूफा की राह ली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।